और आप ये भी जानते हैं कि एमआईएम पार्टी इस विधानसभा के असेंबली के इलेक्शन में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह कुशवाहा साहब और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के वो कन्वीनर हैं, जिसमें वामन मिश्रान साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी भी है, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी है और दीगर तीन चार पार्टीज हैं। हमने मिलकर ये तय किया है, ये तमाम कमजोर तबकात और बरादरी के लोग जमा होकर हमने तय किया है कि उत्तर प्रदेश के कमजोरों को इंसाफ मिलना चाहिए, उत्तर प्रदेश के कमजोर तबकात को मजबूती मिलनी चाहिए, उनको उनके जीने का हक मिलना चाहिए, उनको उन तमाम चीजों से महरूम कर दिया गया जो जिनको संविधान ने उनको इजाजत दी उन हकूक को मिलने की। हमने ये तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता से और इख्तदार से अपनी दुआओं से वोट से नवाजेगी तो पहले ढाई साल के लिए जनाब बाबू सिंह कुशवाहा इस मोर्चा के मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे ढाई साल के लिए किसी दलित परिवार के एक शख्स को या बहन को उसको इसका मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साथ में हमने ये भी तय किया कि पांच साल में तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से रहेगा और दूसरे पिछड़े समाज से रहेंगे। एक पूरा प्रोग्राम बनाया गया है ताकि सही मानों में उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय हो, ताकि सही मानों में दलितों से इंसाफ हो, उनके जान और माल की हिफाजत हो, ताकि सही मानों में पिछड़ा समाज और मुस्लिम अकलियत को उनका हिस्सा मिले। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवार या प्रत्याशी होंगे, आप उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए।